हाय गाइस, ये आपका फाइनेंस अकाउंटिंग का प्रीवियस ईयर पेपर है। अभी जो लेटेस्ट यूनिवर्सिटियों में एग्ज़ाम चल रहे हैं फ्रेंड्स, उनके मैं प्रीवियस ईयर पेपर दिखाऊंगा और फाइनेंस अकाउंटिंग का पूरा निचोड़ बताऊंगा। मैं पूरे 5 साल का पेपर एनालिसिस करने के बाद इस वीडियो को बना रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होंगी। और जो भी स्टूडेंट आज मेरे द्वारा बताए गए सारे डायरेक्शन को फॉलो करेगा, वो अपने फाइनेंस अकाउंटिंग में 80+ स्कोर कर पाएगा आसानी से। चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए, जो अभी नया पैटर्न्स का पेपर आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, एग्जामिनर किन टाइप का क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, अभी हमारे एक स्टूडेंट के द्वारा इस पेपर को प्रोवाइड किया गया है। जहाँ पे यूनिवर्सिटियों में अभी एग्ज़ाम चल रहा है, बिल्कुल आपको रियल पैटर्न दिखाया जाएगा, एग्जामिनर कौन कौन से पैटर्न एग्जाम में बना रहा है और उस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस क्या है, सारा डिस्कस करूँगा। जो आप कॉपी और पेन उठा लीजिए, जो भी क्वेश्चन मैं नोट डाउन कराते चलूँ उसको नोट डाउन करते चलिए। एक क्वेश्चन आप नोट डाउन करिएगा, लेखांकन जो मानक होता है उसका अर्थ यानी कि डिफिनेशन आ सकता है, या उसके उद्देश्य की व्याख्या करने को एक डिफिनेशन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में 2019, 2022 और 24 में पूरे 3 साल पेपरों में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसलिए आपके लिए ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जो पूरे 5 साल के पेपरों में 2 से 3 बार रिपीट क्वेश्चन होंगे। मैं उनको डिस्कस करूंगा और वीडियो के लास्ट में आपको फाइनेंस अकाउंटिंग के फ्री में पेड जैसी क्वालिटी स्टडी मटेरियल सारी जानकारी दूंगा, जिसको आप पढ़ के कम समय में कम क्वेश्चन को पढ़ के अपने एग्ज़ाम में बहुत बेटर मार्क्स अचीव कर पाएंगे। ये आपका न्यूमेरिकल है, जिन भी स्टूडेंट के न्यूमेरिकल अच्छे हैं कर सकते हैं। बाकी न्यूमेरिकल के लिए सोर्सेस बता दूंगा, जो भी स्टूडेंट नए हैं बिगनर हैं वो वहाँ से कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका समुद्री यात्रा खाता क्या है, इसको आप एक बार देख लें, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये पहली बार एग्जामिनर ने पुटअप किया है, आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लें बस। ये आपका न्यूमेरिकल है ब्रांच अकाउंट से, जो कि वेरी इजी क्वेश्चन है आपके एग्जाम्पल में, डिट्टो ऐसा टाइप का क्वेश्चन वहाँ कवर है। जिन स्टूडेंट के पास बुक है, बुक से एग्जाम्पल के ब्रांच अकाउंटिंग यानी शाखा खाता के क्वेश्चन कवर कर लें, 10 से 15 मार्क्स वहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। आप सारे पैटर्न्स को ज़रूर देखें, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करें ताकि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी देख लीजिए आप, जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिफिनेशन का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ द फेवरेट एग्जामिनर का क्वेश्चन है, अधिकार शुल्क के संबंध में पट्टेदार एवं पट्टादाता की पुस्तकों में क्या जर्नल प्रविष्टियाँ पास की जाती है, उनको आपको बनाना है। या तो यहाँ पे पूछ सकता है कि अधिकार शुल्क के बारे में पूछ सकता है, विस्तार से आपको वर्णन करना है, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछेगा, क्योंकि 2019, 22, 23, 24 पूरे 4 साल एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को रिपीट किया है। फ्रेंड्स अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी यूनिवर्सिटी का पेपर हो तो आप सबसे पहले उस पैटर्न को देख पाएँ, एग्ज़ाम में जाने से पहले कई सारे पैटर्न्स को देख पाएँ, जो एक्चुअल आपके एग्ज़ाम के लिए रूबरू चीज़ें क्लियर हो पाएँ और सही क्वेश्चनों को आप स्टडी कर पाएँ। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल देख लें, जिन भी स्टूडेंट के न्यूमेरिकल सही है यहाँ से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिए। कुछ इस प्रकार का पैटर्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। बाकी इस पेपर का मैं PDF पूरा अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहाँ से भी सारे क्वेश्चन को आप डाउनलोड करके सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जो डिफिनीशन मैं 2-3 डिफिनीशन आपको इम्पोर्टेंट बताया हूँ, उसको आप अच्छे से याद करके जाइएगा, वो आपके एग्ज़ाम में फिर से रिपीट होने वाली हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चिट्ठी से संपत्तियां वसूली मूल्य पर दर्शाई जाती है। एक क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में नहीं रिपीट होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है एग्जामिनर द्वारा नए पैटर्न्स में बनाया गया है, कभी पूरे 5 ईयर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन नहीं देखा गया। लेकिन आपके एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन बन सकता है आप लिखिएगा। जो चिट्ठा होता है फ्रेंड, चिट्ठा के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करवा सकता है, या इसके बारे में बताइए या इसका अर्थ बताइए, ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। चिट्ठा से रिलेटेड 3 टाइप का क्वेश्चन बनेगा। अगर चिट्ठा से रिलेटेड क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो चिट्ठे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लें, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किराया क्रय पद्धति। आप ये जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर का देख रहे हैं, माल का बीमा
करा सकता है इसको, मतलब आप इस क्वेश्चन को आप एक बार रूबरू हो सकते हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम में किराया क्रय पद्धति की डिफिनीशन आ सकती है। ये आप बोल सकता है किराया क्रय पद्धति के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए और किस प्रकार किराया पद्धति किया जाता है, यानी हायर परचेज सिस्टम, जो आपके एग्ज़ाम में 20 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा जाता है उसी की जनरल प्रविष्टियाँ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, इसलिए इसको भी कवर करके जाएं। आपको 4 से 5 क्वेश्चन बता दिया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समापन की व्यय, इस समापन के बारे में आप अच्छे से कवर करके जाइएगा, क्योंकि समापन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में 2019, 21, 22, 24 पूरे 4 साल पेपरों में ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपका फाइनेंस अकाउंटिंग का पेपर लगा हुआ है तो मेरे 3 पॉइंट को आप लिख लीजिए, उतना फॉलो करके जाइए, 80+ स्कोर आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही आराम से कर पाएंगे। पहला पॉइंट नोट आउट करिएगा, पूरे 3 साल फाइनेंस अकाउंटिंग का पेपर उठाना है। पेपर कहाँ मिलेगा? हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ से आप पेपर को कवर कर सकते हैं। वहाँ पेपर नहीं मिलता है तो आप टेलीग्राम पे जाके पर्सनल वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर्सनली मैसेज करिए, आपको वीडियोस की लिंक दे दी जाएगी। दूसरा पॉइंट, आपको हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कुछ सीरीज चली हुई है, जो आपके ऑल यूनिवर्सिटियों में पूरे 5 साल पेपरों के रिपीटेड क्वेश्चन और नए पैटर्न्स में जो क्वेश्चन बन रहे हैं, सारे प्रकार के पैटर्न्स के क्वेश्चन एकदम पेड जैसी क्वालिटी बिल्कुल फ्री में स्टूडेंट को प्रोवाइड करने की कोशिश किया गया। तीसरा पॉइंट, न्यूमेरिकल में आप ब्रांच अकाउंट कर लें, रॉयल्टी अकाउंट कर लें। रॉयल्टी अकाउंट की मैं 1-1 घंटे की 3 वीडियोस डाला हूँ, उतना आप कर लें तो रॉयल्टी अकाउंट में, उससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। डिट्टो रॉयल्टी अकाउंट का मेरे वीडियोस से इस पेपर में क्वेश्चन आया है, हर साल ऐसे आता रहता है, जाके उस 3 घंटे की मैराथन देख ले, आपके रॉयल्टी अकाउंट कवर हो जाएंगे, 20 नंबर आपके वहाँ से हो जाएंगे और 10 नंबर आप सॉरी ब्रांच अकाउंट से कवर कर लें। ब्रांच अकाउंट के जो शॉर्ट में आपके एक न्यूमेरिकल आएगा वहाँ से हो जाएंगे, 30 नंबर हो गया। बाकी आप थ्योरी को 50 से 60% अच्छे से कवर करके जाते हैं तो आप अपने एग्जाम में 80+ स्कोर कर सकते हैं। मेरे तीनों पॉइंट को ध्यान से फिर सुनिएगा, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। पहला पॉइंट, 3 साल के पेपर देखना है, पेपर जो है हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और दूसरा पॉइंट, आपको मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज देखना है, जो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तीसरा पॉइंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चनों का एनालिसिस करने के बाद आप अपने बुक के वो क्वेश्चन को उठाइएगा जो 3 साल पेपर प्लस हमारी सीरीज में है, उनको अच्छे से इंपॉर्टेंस देना है, उसको 4 से 5 बार अच्छे से याद करना है और 2 से 3 बार कॉपी में नोट डाउन करना है, फिर से एग्ज़ाम टाइम में एक बार रिकॉल करना है। आपको हमेशा के लिए याद रहेंगी चीज़ें और एग्ज़ाम में आप अच्छे से डिफिनीशन कर पाएंगे। न्यूमेरिकल और थ्योरी के सारे पॉइंट आउट क्लियर कर दिया हूँ, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, इतना कवर करके जाइए, आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशियंट है। वीडियोस कैसा लगा फ्रेंड्स, अपना एक प्यारा सा फीडबैक कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा, ताकि इसी तरह फेड जैसी क्वालिटी कंटेंट आपको इसी तरह लाता रहूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।